पूरे देश में सातवें चरण का मतदान जारी है और लगातार अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे बूढ़े हो या फिर यंग जो कि पहली बार मतदान कर रहे, सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और फिलहाल अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। 29.5% के लगभग में यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। और पूरी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनुज खत्री जी, हम लोग सीधे इनसे बातचीत करते हैं। जेएमएम के नेता, क्या कुछ इसको लेकर के इनका अंदेशा रहेगा, क्योंकि संथाल फिलहाल एक हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है। खास तौर पर दुमका की अगर हम बात करें तो दुमका में एक अच्छी टक्कर है, सोरेन वर्सेस सोरेन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। देखिए, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 11 बजे तक लगभग 30% तक का मतदान हो चुका है, ये काफ़ी संतोषजनक है और एक अच्छा प्रतिशत है। अभी तो वोटिंग जारी रहेगी, हम समझते हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोगों के अंदर, संथाल की जनता के अंदर, दुमका, राजमहल और गोड्डा की जनता के अंदर जो रोष है, वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर नष्ट करने के लिए है। मैं नष्ट करने की बात इसलिए कह रहा हूँ, जिस प्रकार से 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया, झारखंड को ठगने का काम किया, और इनके जो सांसद थे, एक भी सांसद ने झारखंड के मुद्दों को संसद के अंदर में उठाने का काम नहीं किया, जबकि इनके पास अच्छा मौका था, लंबा समय था, कई कई के पास तो दो दो टर्म थे, लेकिन एक भी सवाल झारखंड के हितों का, चाहे वो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया राशि हो, चाहे ST/SC/OBC आरक्षण की बात हो, स्थानीय नीति का विधेयक जो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने विधानसभा से पारित करके भेजने का काम किया, आदिवासी सरना धर्म कोड, किन्हीं मामलों में ये इनके किसी सांसद ने बात नहीं रखी। बात किसने रखी? राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने, जितना समय उन्हें मिला। तो निश्चित रूप से जनता वैसे लोगों को चुनेगी और संथाल की जनता जागरूक जनता है। हम समझते हैं कि टीम 11 रेडी है, क्योंकि 11 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आज बाकी 3 साथी भी चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे और दिल्ली पहुंचेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, खासतौर पर ये तीनों ही सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सीट पर तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी, गोड्डा सीट पर। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे दुमका और साथ ही साथ राजमहल की, तो राजमहल में आप ही के पार्टी के विधायक लोबिन हेमब्रम की बात कर रहे हैं। भले ही अब जो भी कार्रवाई उनके ऊपर की गई पार्टी की ओर से, लेकिन एक त्रिकोणीय चुनाव बनाने का उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है, उनके अंदर काफी नाराजगी थी आपके प्रत्याशी को लेकर। देखिए, ये प्रयास जो था स्पॉन्सर्ड बाई जो भी रहा हो, वो विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? राजमहल की आप बात कर रही हैं, राजमहल से विजय युवा सांसद है विजय हांसदा जी, वो लगातार युवा और छात्र राजनीति को करते हुए संसद तक पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और 2014 में जब सो कॉल्ड लहर थी नरेंद्र मोदी जी की, उसमें उन्होंने जीत हासिल की रिकॉर्ड मतों से। अब जब 2019 का चुनाव हुआ, फिर भी अगर आप मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कि लहर थी, फिर वो उन्होंने जीतने का काम किया। तो वैसे सांसद को जनता ऐसे प्रचंड रूप से जिताने का काम कर रही है विपरीत परिस्थितियों में ही, तो समझिए कि उन्होंने क्या काम किया होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक गोड्डा की बात आपने कही, गोड्डा में एक बड़बोला और अहंकारी सांसद है, वो तो ये कहते थे कि मैं प्रचार नहीं करूँगा, चाय पीऊँगा, आज गली गली घूमते फिर रहे हैं, उनके रोड शो में उनके पार्टी के लोकल विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं निशिकांत दुबे जी की बात कर रहा हूँ, और उनके टक्कर में एक फाइटर है प्रदीप यादव जी के रूप में, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया पर अडानी अंबानी से समझौता करना पसंद नहीं किया, वैसे नेता हैं, स्थापित नेता हैं, नाक में दम तो उनका हो चुका है और वो हारने जा रहे हैं। सर,
सर आखिरी सवाल रहेगा, इंडिया गठबंधन की आज बैठक भी होनी है जिसको लेकर के खुद राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आज रवाना हो चुके हैं और पिछली शाम कल्पना सोरेन भी यहाँ से सीधे बैठक के लिए रवाना हो चुकी थी। क्या लग रहा है, क्या चीज़ें ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि बताया जा रहा है, माना भी जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं पीएम के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो सकती है। देखिए, कई तरह की चर्चाएँ होंगी चूँकि इंडिया गठबंधन की पैन इंडिया की बैठक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है और श्रीमती कल्पना सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक हैं। इस विषम परिस्थिति में जब हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोपों में जेल भेजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, एक अकेली महिला ने पूरी कमान संभाली और उनको जिस कदर प्यार मिला है समाज के हर तबके का, वो अतुलनीय है। तो बैठक में कई तरह के एजेंडे होते हैं। नरेंद्र मोदी जी कैमरे के बीच में ध्यान करेंगे और इंडिया गठबंधन के लोग रणनीति बनाएंगे आने वाले सरकार की। देखिए, तो ये थे हमारे साथ तनुज खत्री जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। खासतौर पर उन 3 सीटों पर चर्चा हुई कि आखिर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लगभग 30% तक मतदान हो चुके हैं सुबह 11 बजे तक। तो ये माना जा सकता है कि आने जब तक शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज इन 3 सीटों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है।